फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग वेरी स्पेशल डे वेरी स्पेशल फीलिंग एक्चुअली आगे बताऊंगी किस कहाँ था चलो आ जाओ लोग यहाँ पर मेरी खुशी का ठिकाना इसलिए भी थोड़ा सा नहीं था क्योंकि इट्स अ वेरी ग्रेट एंड बिग फीलिंग जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हो और कुछ वक्त बाद आप उसी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी में गेस्ट बनकर जाते हो सो शायद ही कोई कोई समझेगा स्पेशली माई होटेलियर्स फ्रेंड दे रियली गोना अंडरस्टैंड दिस एंड दैट ऑल्सो बिना किसी डिस्काउंट एंड बिना किसी अप्रोच के सो या इट वॉज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फीलिंग ट्रस्ट मी और मेरे लिए तो किसी अचीवमेंट से कम नहीं था सच में बिकॉज वंस इन अ लाइफ टाइम मैंने कभी सोचा था दैट आई विल वर्क विद दिस ऑर्गेनाइजेशन बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया सो या शायद ऐसे आना लिखा था क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा कहीं भी नॉर्थ की तरफ दिल ही नहीं लगता था आई वॉज लाइक वेरी फाउंड ऑफ गोवा तो मैं वापस गोवा ही चली गई थी आगरा के बाद भी सो या यस देखो कितना सारा पानी है ब्यूटिफुल यस चलो यस चलो आई हैव टू कैप्चर दिस राइट लेट मी से थैंक यू चलो व्हाट हैपेंड मैम अरे का घर बंदा लगे जी ना फोन मैम लगे चलो 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 वेलकम टू योर रूम चेकिंग इनटू द होटल वाह एंड देन आई स्लीप लड्डू किसका रूम है ओ माय गॉड हैप्पी बर्थडे पापा ब्यूटीफुल थैंक यू ओह चलो 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 ओह सो स्वीट दे हैव डेकोरेटेड इट सो ब्यूटीफुली वाओ सो ब्यूटीफुल बहुत ही अच्छे से सब कुछ डेकोरेट किया गया था जैसा मैंने फोन पे बात हुई थी मेरी जो भी एंड उसी के अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट भी मिला आई वाज सो हैप्पी वेरी नाइस 14 छुट्टी में भी काम करते हुए पति छुट्टी में भी काम करते हुए पति सही बात 12 11 इस कॉल के बाद तो मैंने पतिदेव को स्पेशली बोला था प्लीज आप इसके बाद आप कोई और कॉल नहीं लोगे बस अब हम अपना ब्यूटीफुल वाला बर्थडे वाला टाइम स्पेंड करेंगे बहुत ब्यूटीफुल रूम था नो डाउट इससे पहले भी काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ में रहे हैं बट ITC में रहने की फीलिंग अलग थी आगरा की जितनी भी अच्छी अच्छी फाइव स्टार प्रॉपर्टीज़ है ना वी हैव बीन देयर बट वो मज़ा नहीं आया वहाँ जो यहाँ आया वो सिर्फ इसलिए आया होटल्स तो हर जगह सेम ही होते हैं रूम सेम ही होते हैं बट एक फीलिंग होती है यू नो ये फीलिंग थी एक्चुअली स्माइल लड्डू Happy birthday to you. यहाँ पर दोनों पापा बेटी की सबसे जो बड़ी एक्साइटमेंट थी ना वो ये थी दोनों को पूल के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था बिकॉज सेमी प्राइवेट पूल वॉज कनेक्टेड तो इन्हें बस पानी में जाना था और आरिका को पानी इतना पसंद है आई कैन नॉट एक्सप्लेन एक्चुअली हम तीनों को पानी बहुत पसंद है
This is called fountain room, baby. पूरा दिन रहे पानी के लिए। पानी में रहेंगे। आई थिंक उस रूम का भी कनेक्टेड है क्या? सेमी तीन रूम है ना? हाँ। का प्राइवेट पूल है, सेमी प्राइवेट। मेरी हंसी सुन के आपको समझ आ जाएगा मैं कितनी खुश थी। बींग अ होटेलियर मेरे लिए बहुत अलग और ख़ास नहीं था यहाँ का एक्सपीरियंस। आशी रुक जा पापा। डेफिनेटली यहाँ पर एज ए गेस्ट बनकर आना ये एक अपने आप में बहुत बड़ी फीलिंग थी। नहीं अभी नहीं, मम्मा आएंगी पहले। पीछे है बेबो। सारे टॉयज गिरा दूं बेटा फिर उठाएगा कौन? अभी लो फिर पापा लो सारे टॉयज। नहीं 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 खराब हो गया। ओ लो हैप्पी पापा आलो बहुत खुश हूं। मुझे इतना तो पता था पानी में पूरा दिन रहने के बाद हम यहाँ से जाने के बाद तो बीमार होने वाले हैं बिकॉज क्लोरीन का पानी में इतना देर रहना इट्स नॉट गुड। बट क्या करते ये भी टाइम वापस नहीं आना था सो हमने फुल ऑन इसे एंजॉय किया। एंड अरे का खुशी आप देख सकते हैं उसे तो बस पानी जंप लड्डू जंप पापा की गोदी में जंप लड्डू मेरे पापा को लेके आओ चलो पापा को बुलाओ बोलो पापा हैप्पी बर्थडे पापा हैप्पी बर्थडे कर लेते वेरी गुड हैप्पी बर्थडे हैप्पी कितना न्यू मैम वेरी गुड। आप स्कूल क्यों नहीं गए बताओ? क्योंकि मैं अच्छा बच्चा हूँ इसलिए मैं स्कूल जाऊँगा। आप जाओगे? नहीं मैं कह रही हूँ आज क्यों नहीं गए? आप कहाँ आए हो? आज मैं स्कूल आ रहा हूँ ना। बोलो मैं पापा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मैं पापा तो सेलिब्रेट हैप्पी कर रहा हूँ। इवनिंग में सोचा थोड़ी देर घूम कर आ जाते हैं सो बस काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी तो इतना चलना तो पॉसिबल नहीं था। बस अरिका ने नया स्कूटर लिया था तो उसके पापा चाहते थे कि मेरा बच्चा स्कूटर पे एंजॉय करे क्योंकि शी वाज क्राइंग और उससे नहीं हो रहा था इट वाज हर फर्स्ट डे बट उसने इतना जल्दी सीखा कुछ नहीं हुआ जाओ। ऐसे ही बच्चे हर पेरेंट्स का अपना अपना तरीका होता है। नेक्स्ट पास के लिए शाबाश आई एम प्राउड ऑफ यू लड्डू मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है। मिलती हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर बाय बाय।